अच्छा ये अच्छा ये हम कर रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ठीक है, रिवाइज कर रहे थे, और ये मैंने क्विक रिवीजन की थी कि आई टोल्ड यू कि हमने दो चीजें पढ़ी थी, विच वॉज ये मैंने होपफुली आप लोगों ने उसके ऊपर सबमिट कर दिया हो, लेकिन ये हम यहां पे ना दोबारा बना लेते हैं। आई हैड आस्क यू टू ड्रॉ अ फुली लेबल डायग्राम, कोई डेटा बुकलेट भी साथ रख लें, एक आध का कर लेते हैं। आई हैड आस्क यू टू ड्रॉ अ फुली लेबल डायग्राम फॉर इन इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल किस तरह मेजर करना है इन इलेक्ट्रोड्स का। तो यू हैड एम एन ओ फोर माइनस वन एंड एम एन टू प्लस इलेक्ट्रोड, तो आपने सिंपली डेटा बुकलेट खोलनी है। इफ यू ओपन द डेटा बुकलेट तो वहां पे देयर वुड बी एन इक्वेशन जहां पे उसका रिएक्शन दिया हुआ होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, एम ओ फोर माइनस वन, फाइव एच प्लस वन प्लस आई थिंक एट एच प्लस वन है, प्लस फाइव इलेक्ट्रॉन्स रिवर्सिबल, और एम एन टू प्लस प्लस फोर एच टू ओ, और इसकी इसकी जो ई नॉट है दैट्स दैट इज प्रोवाइडेड इन द डेटा बुकलेट। आई थिंक इट वॉज, कोई चेक कर ले, कंफर्म कर ले, 1.52 वोल्ट है कि नहीं, ठीक है, वो कंफर्म कर ले, मैं बस मेमोरी से कर रहा हूँ। डेटा बुकलेट खोलोगे तो ये रिएक्शन होगा। तो जब भी आपके पास था यू आर गिवन अ सब्सटेंस और एच प्लस वन और एम एन टू प्लस है, तो आपने जाके उसमें डेटा बुकलेट में देखी है कौन से रिएक्शन की बात हो रही है, तो ये रिएक्शन है। एंड इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन, और मैंने कहा था इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। हायर पोटेंशियल का मतलब है कि सब्सटेंस जो है ना इट लाइक्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फॉरवर्ड जाना चाहता है रिएक्शन, वो लाइक्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो गया। लोअर पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब है कि सब्सटेंस लाइक्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा और इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे और नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। तो आप इस रिएक्शन का पोटेंशियल मेजर किस तरह करोगे? These were all aquosines. ठीक है, वाटर की स्टेट लिक्विड है, अच्छा, बट ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट इन सोल्यूशन, तो इसके अंदर आप उस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज करोगे जिसके अंदर एवरीथिंग इज इन द सोल्यूशन। तो व्हाट यू विल डू इज, अच्छा व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक अ बीकर, उसके अंदर आप सारे आयंस मिक्स कर दोगे, ठीक है, ऑल ऑफ द आयंस वुड बी मिक्सड इन दैट बीकर, उसमें एम ओ फोर माइनस वन मिक्स कर दोगे, एच प्लस वन भी मिक्स कर दोगे आप, और उसी के अंदर एम एन टू प्लस भी मिक्स कर दोगे, एंड यू वुड नीड अ प्लैटिनम कैटलिस्ट। तो लेट्स से ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्योंकि अगर किसी सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो वो कहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो इसके ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और अगर किसी सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो वो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो भी इसी के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो भी होगा पोटेंशियल इसके ऊपर बिल्डअप होगा। तो इस केस के अंदर इट्स इट्स 1.52 वोल्ट्स, व्हिच बेसिकली मींस के दैट इट्स अ वेरी पॉजिटिव पोटेंशियल, व्हिच मींस के इट लाइक्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने पढ़ा था कि हायर ई नॉट का मतलब है यानी पॉजिटिव, कि जो भी सब्सटेंस है ना इट लाइक्स टू इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से व्हाट वुड हैपन इज कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होता जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन किए जा रहे हैं, इट्स एम एन ओ फोर माइनस वन एंड एच प्लस वन, दैट वुड बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एम एन ओ फोर माइनस वन है, एट एच प्लस वन है, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, which is why the electrode is very positive, it has a very high potential, 1.52 volts. खैर ये पॉजिटिव शो करने की जरूरत नहीं है। दिस इज 1.52 volts. वोल्ट मीटर के साथ आप लगाओगे और किसके रिलेटिव आपने कंपेयर करना है इसका इसका पोटेंशियल, वो आपने स्टैंडर्ड जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि देयर इज अ गैस जार जिसके अंदर देयर इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन गैस। तो लेट्स से देयर इज दिस
गैस चार एंड देयर इज H2 गैस, और सॉल्यूशन के अंदर नीचे बॉटम के अंदर देयर इज H+1 आयंस. इन द सॉल्यूशन ये वो टाइप का इलेक्ट्रोड था, गैस वाला इलेक्ट्रोड. जब गैस और उसके जो एक्वस आयंस है उनके बीच में आपने इलेक्ट्रोड सेटअप करना है, तो यू वुड नीड अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एज वेल, क्योंकि अगर H2 गैस से इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो वो, सॉरी H+1 ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो वो कहाँ जाके गेन करेगा. सो यू नीड अ कंडक्टिंग मटीरियल. तो देयर इज गोइंग टू बी अ प्लैटिनम. अच्छा, देयर इज गोइंग टू बी अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. ठीक है, सो देयर इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड दैट इज प्रेजेंट. और ये आपके दोनों इलेक्ट्रोड सेटअप हो गए, और बीच में देयर इज गोइंग टू बी अ सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, सो देयर इज गोइंग टू बी अ सॉल्ट ब्रिज. ये मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम कि ये कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आयंस आपके डिसबैलेंस हो जाते हैं. इधर जो रिएक्शन चल रहा है दैट इज this is your reference electrode, this would be at 0.0 volts, aur ye aapka 1.52 volts ke upar hai. To ek side pe to basically aapka jo cell potential hoga jo yahan pe hoga that would be higher potential minus lower potential jo ke 1.52 volts aayega. To is tarike se aap standard electrode potentials measure karte the. Theek hai, yahan pe jo reaction chal raha that is this one, और यहाँ पे जो रिएक्शन चल रहा है वो ऊपर लिखा हुआ भी है, दोबारा लिख लेते हैं. MnO4-1 plus and it's 1.52 volts. अच्छा, ये तो क्लियर है ना सारों को? रोहन क्लियर है? बाकी हम ना हमने जो पढ़ा था, खैर डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड हैं. ठीक है, हमने दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड तो यहीं पे ड्रॉ कर लिए, एक एक्वस आयंस वाला, एक है गैस और एक्वस आयंस वाला जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. मेन चीज आपने याद रखनी है, हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लूज करता है. इस पूरी चीज को ना यू वुड कॉल दिस एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है. यहाँ ये लोअर पोटेंशियल पे, जीरो पोटेंशियल पे, दिस इज एट अ हायर पोटेंशियल 1.52. तो ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा लोअर टू हायर फ्लो करते हैं, ज्यादा पॉजिटिव की तरफ. सो दिस वुड बी द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे गोइंग टू ट्राई एंड फ्लो इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल. तो ये वही लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल टूवर्ड्स या मूव टूवर्ड्स हायर ई नॉट. तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे इस पर्टिकुलर केस में. और रूल ये था कि जो लोअर पोटेंशियल होता है इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, but it has a stronger tendency to lose electrons. So in this case, lower E naught is wale ki hai, right hand wale ki. So ye equilibrium jo hoga, jab bhi aap do cells ko connect karoge na aapas mein, equilibrium khatam ho jayega, kyunki ek jo hai na wo electron lose karna shuru kar dega. Theek hai, jaisa yahan pe diagram mein nazar bhi aa raha hai, iske electrons travel karte hue dusri side pe jaate rahenge. Iska matlab hai ye jo equilibrium hoga na, yahan pe electrons kam ho jayenge. Kam kyun ho jayenge? Kyunki yahan pe jo electrons the वो ट्रैवल करते हुए ज्यादा पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो ली शैटलर प्रिंसिपल कहता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो उसको, अगर तो इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो ली शैटलर प्रिंसिपल वुड डू द ऑपोजिट, इट वुड ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड द वे इट्स गोइंग टू डू दैट इज कि वो इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा. और लोअर ई नॉट का मतलब भी ये था कि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है. अच्छा, दूसरी साइड पे क्या हो रहा है? दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो गए हैं क्योंकि वो हायर पोटेंशियल है, तो वो उल्टा उसके भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहे हैं. तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे
तो डी शैटलर प्रिंसिपल क्या करेगा, इनको कम करने की कोशिश, इट्स गोइंग टू ट्राई एंड रिड्यूस देम, एंड द वे इट कैन रिड्यूस देम इज बाय फेवरिंग द फॉरवर्ड रिएक्शन. यानी यहां पे हायर इनोड जो है वो ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, एक बैकवर्ड चला जाएगा और एक फॉरवर्ड चला जाएगा. और यही बेसिकली पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी. जब भी आपके सामने दो इलेक्ट्रोड्स होंगे तो उसके अंदर आपने ये फिगर आउट करना है कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. लोअर ई नॉट वुड लूज इलेक्ट्रॉन्स, हायर ई नॉट इज द वन दैट्स गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दैट्स अ मेन पॉइंट. तो सेल जब भी कंस्ट्रक्ट होगा, जस्ट रिमेंबर कि रिवर्सिबल ही रहेगा. फिर होगा कि एक ने लूज करना है और एक ने गेन करना है. तो इनकी ओवरऑल इक्वेशन किस तरह लिखते थे कि ये दोनों रिएक्शन उठा के अब लिख दो और उनको एड अप कर दो. सो ओवरऑल इक्वेशन वाज कि हमारे पास दो रिएक्शंस हैं और उनको सही डायरेक्शन में लिखना है. ये बैकवर्ड जा रहा है तो इसको सीधा करके लिखो कि एच टू जो है ना, दैट्स द रिएक्टेंट एंड इट्स चेंजिंग इनटू 2H+1. तो इस केस के अंदर एच टू is losing electrons to form 2H+1 plus 2 electrons. और दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, दूसरा रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है तो उसको फॉरवर्ड में लिखो, इट्स गोइंग टू बी MnO4-1 plus 8H+1 plus 5 electrons and forms Mn2+ plus 4H2O. So that's the reaction that's happening over here. और ओवरऑल इक्वेशन जब लिखते थे तो उसमें आप क्या करते थे कि पहला काम करते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट इक्वल करते हो. ठीक है, तो यू मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस्ट इक्वल. अच्छा, यू मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस्ट equal. How do you do that? कि इधर 2 electrons हैं, यहाँ पे 5 electrons हैं. तो ऊपर वाले को multiply कर दो 5 से. तो there's going to be 5H2. ये कितने हो जाएंगे? 10. इसको भी 5 से multiply करो तो 10 electrons lost. और नीचे वाले को multiply कर दो 2 से. तो there would be 2MnO4-1. ये जो होंगे ये 16H+1. ये 10 electrons. ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया एंड दिस वुड बी 8. और फिर दोनों इक्वेशंस को सिंपली एड अप कर दो. तो इट्स गोइंग टू बी 2MnO4-1, लेफ्ट साइड और राइट साइड एड अप कर लो. सो इट्स गोइंग टू बी 2MnO4-1 प्लस 5H2 प्लस कितने, 16H+1 है. और राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे दोनों के राइट साइड पे दिस गोइंग टू बी 10H+1 प्लस 2Mn2+ plus 8 water molecules. ठीक है, that's your reaction. और इस reaction की ये जो overall equation आई है इसके अंदर what you could also do is कि you could simplify this further. इसका math की equation होती है, यहाँ पे 10H+1 है, उधर 16H+1 है, इसको उठा के उधर से minus कर दो तो ये वाला part जो है ना यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 6H+1. और कोई चीज simplify नहीं होगी. ठीक है, ये clear है आयशा, is this clear? ठीक है, तो दिस इज वॉट वी डिड एज वेल जब हम लास्ट टाइम कह रहे थे. तो रिमेम्बर, हायर पोटेंशियल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, लोअर पोटेंशियल गेन्स इलेक्ट्रॉन्स. तो हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को ना आपस में कनेक्ट कर देते हैं. ये जो बनाने वो कहा था Br2 Br-1 and copper 2+ copper. तो हम देखते हैं इनका आपस में क्या रिएक्शन होता है. ठीक है, so we're going to try and construct a complete cell. दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट कर दो. फर्स्ट वन, पहले तो इस पर फोकस करो, ब्रोमीन वाले पे. ब्रोमीन याद रखना कि एक्वस होता है, लिक्विड होता है. ठीक है, सो इट्स इन सोल्यूशन. Br-1 भी एक्वस ही होता है, तो दोनों सोल्यूशन के अंदर ही होंगे. तो इसका मतलब है कि आप यूल टेक ब्रोमीन, ठीक है, विच इज अ लिक्विड. पहले उसका इलेक्ट्रोड सेटअप करते हैं. तो देयर इज गोइंग टू बी ब्रोमीन
अच्छा दिस गोइंग टू बी ब्रोमीन और बीयर माइनस वन, सारी चीजें इसी में मिक्स कर दो और बीच में अगर ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो वो फिर यू नीड अ या बीयर माइनस वन इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो यू नीड अ कंडक्टिंग मटेरियल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, तो यू एड अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. रिएक्शन क्या चल रहा होगा, इट्स गोइंग टू बी बीयर टू gaining electrons to form Br minus 1 or vice versa Br minus 1 losing electrons to form Br2. agar to gain karne ka zyada hai to phir ye positive hoga, agar jo ki mere khayal se bromine jo hai it likes to gain electrons, aur agar Br minus 1 ki lose karne ki tendency zyada hai to yahan pe electrons jama ho jayenge aur ye negatively charged hoga. if you open the data booklet I think this is 1.07, this is 1.07 volts. तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल बिल्डअप हुआ है ना, दैट्स 1.07 वोल्ट्स. ठीक है, दैट्स योर प्लैटिनम कैटलिस्ट. दूसरे वाले को ले आओ, कॉपर एंड कॉपर आयंस. तो उसका किस तरह बनेगा वो सेल? अच्छा, सो जब भी मेटल होगा तो मेटल इटसेल्फ इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रोड. तो बीच में ना आपने कॉपर का पीस ऐड करना है, दैट इज गोइंग टू बी योर इलेक्ट्रोड. और सॉल्यूशन के अंदर ना देयर इज गोइंग टू बी कॉपर आयंस. तो यहां पे कौन सा इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा? कॉपर प्लस टू माइट स्टार्ट गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर, और द रिवर्स, कॉपर माइट स्टार्ट, दे माइट, कॉपर माइट स्टार्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर आयंस. गेन करेगा, अगर ज्यादा गेन करेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. अगर वो कॉपर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे और नेगेटिव हो जाएगा. खैर, द पोटेंशियल इन दिस केस इज 0.34 वोल्ट्स. तो दोनों इलेक्ट्रोड्स बन गए, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं. सो वी गोइंग टू कनेक्ट देम यूजिंग अ वोल्ट मीटर. अच्छा, सो I've connected them together using a voltmeter. बीच में यू नीड अ सॉल्ट ब्रिज फॉर द कंप्लीट डायग्राम. अच्छा, ये दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज प्लस. अब वो फिगर आउट करते हैं कि रिएक्शन होगा क्या. तो इनमें से हायर पोटेंशियल किसका, इसका ई नॉट कितना था? इसका ई नॉट 0.34 वोल्ट्स है. तो दैट्स द ई नॉट. तो हायर पोटेंशियल इज दिस वन और हायर के बारे में क्या पढ़ा हमने, कि इट हैज अ हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. सो इट्स गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सही है. दिस वन इज द लोअर ई नॉट. तो इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसकी तरफ हायर पोटेंशियल, ज्यादा पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करेंगे. तो ये जो इक्विलिब्रियम होंगे इनकी डायरेक्शन फिर अब कर लो. अब इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा. जब एक दफा जोड़ दो इलेक्ट्रोड्स को तो फिर इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा. हायर पोटेंशियल वुड गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फॉरवर्ड, एंड लोअर पोटेंशियल वुड, इट्स गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बैकवर्ड. तो एंड दैट्स द वे यू कैन फिगर आउट कि रिडॉक्स रिएक्शन होगा क्या. और फिर दोनों का ना वो बना लो ओवरऑल रिएक्शन. तो अच्छा, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से इक्वल है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड आर ऑलरेडी इक्वल. तो व्हाट यू जस्ट हैव टू डू इज कि रिएक्टेंट से इकट्ठे कर लो. तो यू कैन आइदर राइट इट डाउन या फिर डायरेक्टली कर लो, कि मल्टीप्लाई तो किसी से नहीं करना. रिएक्टेंट क्या है इधर, पीआर टू, तो दैट्स वन ऑफ योर रिएक्टेंट्स. और इधर रिएक्टेंट किया है वो ये है, कॉपर है. तो Br2 इज गोइंग टू रिएक्ट विद कॉपर एंड द प्रोडक्ट्स दैट आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, इस केस में Br-1 टू Br-1 वुड बी प्रोड्यूस्ड, और इस केस में कॉपर प्लस टू वुड बी प्रोड्यूस्ड, एंड दैट्स गोइंग टू बी योर ओवरऑल रिएक्शन. और आपको पता लग गया कि रिडॉक्स रिएक्शन होना क्या है. ठीक है, सो यू बीन एबल टू फिगर दिस आउट. इज दिस क्लियर? स्नोविया क्लियर है? खदीजा क्लियर है? ये
Yes, sir. अच्छा सो दैट्स योर ओवरऑल रिएक्शन. और फिर एक और चीज थी कि वो इनोट सेल होता था. इनोट सेल जो होता था दैट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस. वो इंडिकेट करता था कि ये रिएक्शन कितना तेज होगा, कितना फीजिबल होगा. क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू फ्लो. ठीक है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज ह्यूज द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू फ्लो वेरी वेरी क्विकली. एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एंड इट्स गोइंग टू बी अ विगरस रिएक्शन. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज लो देन द रिएक्शन वुड बी स्लो. इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, विच इज गोइंग टू बी 1.07 माइनस 0.34. कोई मुझे इसकी वैल्यू बता दे कि क्या है. क्या होता है 1.07 माइनस 0.34? ये क्या होगा 0.73? आई थिंक बस ये 0.73 वोल्ट्स. 0.63? नहीं सर, 73. ठीक है, चलो 0.73 वोल्ट्स. तो ये याद रखना कि हायर इनोट सेल जो है ना इंडिकेट्स अ फास्टर रिएक्शन. ठीक है, तो हाई इनोट सेल इंडिकेट्स अ फास्टर रिएक्शन. हमने पिछले लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था हमने काफी ज्यादा सेल्स वगैरह पढ़े थे इसमें. तो कोई भी दो रैंडम सेल्स आप किसी भी वो डेटा बुकलेट खोलो, उसके अंदर ढेर सारी इक्वेशंस गिवन है, कोई भी दो कनेक्ट कर दो आपस में, पता लग जाएगा किसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है और किसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है. अच्छा, और उसके लिए पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसके बाद अब जो भी हम करेंगे वो हम डायरेक्ट करेंगे. बस डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लेबल डायग्राम के काफी ज्यादा मार्क्स होते हैं. स्टैंडर्ड कंडीशंस का बस वो लिख लो कि हमने वो पढ़ा था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं. स्टैंडर्ड का मतलब है कि टेम्परेचर क्या होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब दिस इंटायर एपरेटस वुड बी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ देयर इज अ गैस, तो गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होगी, एंड इफ देयर इज अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जो होगा वो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पे होगा. सो ये स्टैंडर्ड का मतलब होता था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो अभी फिलहाल कल फिर हम इक्वेशंस वगैरह कर लेंगे, वो भी हमने की थी लास्ट टाइम, उसकी प्रैक्टिस थोड़ी कर लेंगे. जस्ट ये दोबारा मैं उसके ऊपर क्वेश्चंस एक दो लिख रहा हूँ, सेल्स बनाने और ओवरऑल इक्वेशन, मतलब ये सारा करना है. ये जो डायग्राम बना हुआ है ना ये सारा करना है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शो करना है, कहाँ से कहाँ डायग्राम बनाना है, फिर वो बताना है कि कौन गेन करेगा कौन लूज करेगा, और फिर ओवरऑल इक्वेशन, और फिर ई नॉट सेल. ठीक है, जो कुछ मैंने यहाँ पे किया हुआ है वो करना है. तो Cr2O7 2 माइनस 2 प्लस, नहीं 2 माइनस होता है, H प्लस 1, और आई थिंक Cr3 प्लस. ये एक इलेक्ट्रोड है, इसको कनेक्ट कर दो Fe2 प्लस Fe3 प्लस इलेक्ट्रोड के साथ, और जो कुछ ऊपर किया है ना वो सारा इसके साथ करना है. और एक दूसरे विच इज गोइंग टू बी एल्यूमिनियम का कर लेते हैं, एल्यूमिनियम 3 प्लस Al प्लस SN2 प्लस और SN4 प्लस वाला इलेक्ट्रोड, इनका फिगर आउट करना है. दीज आर द टू क्वेश्चंस. जो कुछ किया हुआ है डायग्राम के अंदर वो सारा एग्जैक्टली करना है. ठीक है, ये हो जाएगा ना. मेक श्योर कि वो क्लासरूम का फिर से लिंक सेंड कर दूंगा. अगर कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस, तो ये हम आई जस्ट पोस्टेड ऑन द क्लासरूम एज वेल, और ये होमवर्क है. ठीक है, और राइट प्रेजेंट उसके अंदर व्हाट्सएप के ऊपर ना, एवरीवन राइट प्रेजेंट, वहां पे अटेंडेंस लिख दो. चलिए ठीक है, देयर नो क्वेश्चंस, तो कल फिर कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.